तो अभी तीनों के तीन यहाँ पर लगे हैं। मम्मी क्या कहते हैं, मम्मी चावल को लगा रही है इनारे किनारे से, मैं चालती हूँ। तो यहाँ पर मैं चावल के आटे को पानी डाल के कदा रही हूँ। जितना कदाया उतना ही अच्छे पकवान बनते हैं इसके, ये कहा जाता है। तो वो पहाड़ी जो पकवान होते हैं वो इस प्रकार बनाए जाते हैं, जिसे हम शौनी कहते हैं। ये पहाड़ी व्यंजन है, तो आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये पहाड़ी। कमर सीध करने बुढ़े नाती कर रहा। फिर से लग गई है मेरी दूध पहुंचाने की ड्यूटी, और तो आज सुबह सुबह जा रही हूँ मैं दूध पहुंचाने। दोस्तों दूध पहुंचाने के बाद मैं चले गई हूँ खालगढ़ा की ओर। मेडिकल स्टोर में जाना है मुझे खालगढ़ा, तो अपनी दूध को ले जाते हुए मैं जा रही हूँ खालगढ़ा की ओर। देखो बारिश हो रहा है तो रोडों में पानी भरा हुआ है, और तो मम्मी के लिए कुछ दवाई वगैरह लेके आनी थी क्योंकि मम्मी की तबीयत हो गई है आजकल थोड़ा खराब। तो मम्मी पहले आ गई हूँ मैं वापस दवाई वगैरह लेके। यहाँ पर बादल लगे हैं पहाड़ों के ऊपर, तो शानदार व्यू हो रहा है पहाड़ों का, देख सकते हो। और यहाँ के खूबसूरत खूबसूरत गांव देखिए, छोटे 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 गांव दिख रहे हैं आपको, जो बहुत ही प्यारा लगता है मेरे को पहाड़ों का। ये देखिए गांव, मेरे में जूम नहीं हो रहा, नहीं तो ये गांव के आपको छोटे छोटे व्यू दिखाते। और पहाड़ों में इधर साइड है नेपाल और हिमालय भी दिखता है, तो आज बादल से पूरा ढका हुआ है। और यहाँ पर है मेरी धन्नो, दिखा छोड़ बड़ी जैसा पैदल फ्री है। और अभी वीडियो बनाने वाली थी, नहीं बनाई क्योंकि आमा आ रही थी, और आमा चली गई है पैदल पैदल यहाँ से। यहाँ तक मैं लेके आई हूँ उनको, पता नहीं कहाँ की थी, बहुत दूर जाना है उनको, तो मैंने बोला आधे रास्ते तक ले जा देती हूँ। और अब पैदल पैदल जा रही है 4 किलोमीटर, बहुत दूर है इनका गाँव। तो दोस्तों अभी हमने वहाँ ग्वाला से आने के बाद खाना पीना खाया, अभी शाम के 4 बज चुके हैं। तो मौसम आजकल वही हो रहा है पूरा बारिश 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 वाला, क्योंकि बरसात का मौसम लग चुका है। यहाँ पर जो मैंने सेमी बोई थी ना वो उगने लग गई है, अभी उस अंकुरित हुए हैं, दो दो उसमें मुंह आ रखे हैं, मतलब दो पत्ते आ रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं लकड़ी और घास, क्योंकि लकड़ी भी लानी है घास भी, तो दोनों चीज़ों के लिए हम जा रहे हैं जंगल, अपने नज़दीकी वाले जंगल में। तो मम्मी आगे आगे चली गई है और मैं मम्मी के पीछे पीछे जा रही हूँ। मेरी मम्मी पेड़ में हत्ते देख रही थी, हत्ते काटने इसमें से हत्ते, तो अब चलेंगे हम लोग उधर साइड जाना है सामने वाले पहाड़ी पे। नीचे पहले डाउन है, इसको पार करके नीचे एक छोटी सी नदी है, नदी को पार करके हम वहाँ जाएंगे। दोस्तों इस बार जो है हमारे मांगे में घास कम होने वाली है, क्योंकि जो सुअर होता है जंगली सुअर, उसने पूरा मांगा खोद रखा था, जिनमें ये सारे ये जो हरा हरा दिख रहा है सारे कुम्भर ही कुम्भर है। ओके, तो मम्मी चलेगी नीचे घास बनाने। मुझे ये वाला जो तिमल का पेड़ दिख रहा है ना, इसको काटना है, तो पेड़ पे चलते हैं। आप लोगों ने ड्राई फ्रूट में अंजीर का नाम सुना होगा, ऐसा पेड़ होता है अंजीर का, देखो। लेकिन ये पकते नहीं है, और अंजीर वो वाला पकने वाला होता है इसमें। और मम्मी को एक पहाड़ी सब्जी मिल गई है, टुन है। हो, तो ये है नीचे नदी, तो मुझे नदी के पार जाना है। और मम्मी को एक पहाड़ी सब्जी मिल गई है लिंगड़े, तो आपको कभी बाद में दिखाऊंगी। तो नदी जो है छोटी सी है, ये देखो ऐसे नदी है, और नदी के साथ ही मम्मी बना रही है घास, ऐसे घास बनाना है काट के। ये है दराती, दूसरी वाली दीदी मम्मी जैसा। तो यहाँ मैं चढ़ गई हूँ इस वाले तिमल के पेड़ में, लेकिन मेरी वीडियो में कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई थी, अचानक ही टच दब गया होगा, तो मेरे 2-3 व्लॉग बेकार चले गए। एकदम तीव्र गति से मैंने काट लिया है, इसमें भी चोप लग गया है। तो जो ये है अंजीर तिमल का पेड़, इससे जो है दूध निकलता है, जिसे दूधिया घास भी बोल सकते हैं, तो इसमें देख सकते हो ये। तो इस वजह से अभी देखा होगा कि मैं कुछ बोल रही हूँ, और स्लो मौसम में पता नहीं क्या हो गया सेटिंग, तो बोलना तो साफ सुनाई दे रहा है। और तो मैंने लकड़ी की ठेलकी की यहाँ पर आ गई हूँ, दो यहाँ पर है छोटे छोटे और दो वहाँ पर है। तो ये है 2022 वाले और ये है 2023 वाले, आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। इस प्रकार से मेरे देख सकते हो पूरा ब्लॉग बेकार चले गया है, कुछ बोल रही हूँ और स्लो मौसम में हो रहा है,
ऐसे ही मैंने दूसरे दिन का व्लॉग बनाया था तो वीडियो एडिटिंग का टाइम नहीं हो पाया, तो लकड़ियाँ वगैरह रख रही थी और लकड़ियाँ बाद ही मैंने सूखी तो लकड़ियों को ले गई मैं। तो जो भी बोल रही हूँ, बोलना कुछ अलग आ रहा है, काम कुछ अलग आ रहा है स्लो मौसम में एकदम। तो जब वीडियो एडिट कर रही थी, गुस्सा तो इतना आ रहा है ना कि मेरा ये स्लो मौसम, कितने भी फास्ट बना रही थी फिर भी स्लो मौसम हो रहा है। लेकिन माँ मम्मी और दोनों माँ बेटी हम लकड़ियाँ लेके घर को जा रहे थे, तो लकड़ियाँ ले गई हैं और मैं फिर दोनों बेटी को ले जाती हूँ क्योंकि मम्मी को घास भी ले जाना पड़ता है। तो देखो इतना स्लो मौसम हो रहा है, इतना स्लो मौसम हो रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है। मम्मी नीचे के रास्ते गई, मैं ऊपर के रास्ते। मम्मी ने अपनी बेटी यहाँ पर बिछा दी। घर पहुँचते ही बहुत पसीना हो गया था, थकान लग गई थी क्योंकि लकड़ी खड़ी चढ़ाई में लकड़ी लेके आई, तो अभी तो एक ही लाई हूँ, दूसरी वाली आधे रास्ते से लानी है मुझे क्योंकि मम्मी आधे रास्ते में बिछा के घास लेने चले गई थी और ये हमारे फ्लावर हो रहे हैं। तो थकान इतनी ज़्यादा लग गई थी, बाद में वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा। यही नहीं, इसके बाद एक ब्लॉग और था उसमें भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन उसके बाद मैं सीधे तीसरे दिन के साथ ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। दोस्तों अभी अभी ना मैं गाय को भगा के आई, गाय आई थी हमारे खेत में और एक गाय गोट आ गई है, गाय बकरी, और एक गाय भाग गई है। तो मैं रजिस्टर बना रही थी दूध की और भाई भी आ गया है, वो वही पानी सरने गया है। हमारी टकलू भाग गई, टकलू। तो दूध के रजिस्टर बनाती हूँ मैं, थोड़ा पेमेंट वगैरह, और उसके बाद जो है मुझे ओखल की सफाई करनी है क्योंकि अभी ना हमारा मौसम ख़राब होने वाला है। उससे पहले हम जल्दी चावल कूटने वाले हैं, मतलब कि चावल का आटा। उखल तो उस टाइम साफ कर दिया लेकिन थोड़ा पानी हो रहा है तो उसको पूछ देते हैं। गाइस स्कूल में आ गए, इसकी पता नहीं किताब कहाँ चलेगी। संदीप सिंह नेगी कूट रहे हैं चावल, इतने चावल है कि तीनों में से किसी के गंजे नहीं कूटे जा रहे हैं। तभी बोला था मिक्सी में कूटो, मिक्सी में अच्छे नहीं होते हैं। दूध कौन से दिखाओ, काटने से दियो जाना तुमने। चलो बड़ा को कर ली दूंगी मैं। कैसा हो रहा है भैया कूटने में एक्सपीरियंस? फर्स्ट बार कूट रहा हूं लाइफ में मैं। तो अभी तीनों के तीन यहां पर लगे हैं। मम्मी क्या कहते हैं, मम्मी चावल को लगा रही है इनारे किनारे से, मैं चालती हूँ, छानती हूँ इसमें। मच्छर काटना दुमरा हमने मच्छर पाले हैं, तो तीनों का काम हो रहा है, जल्दी जल्दी होगी जिससे हमारा। अभी मम्मी लोग चले गए हैं घास काटने और मैं यहाँ पर काट रही हूँ सब्जी, जिसमें लेके आई हूँ शिमला मिर्च, आलू, टमाटर। तो अभी सब्जी काट रहे हैं, आज जल्दी बना रहे हैं। तो अभी मैं काट रही हूँ दून, जिसको हम चावल के आटे में डालेंगे। यह है जिपल जड़ी का दून, इसको मैं मिक्सी में पीसूंगी। तो ये है मिक्सी में और इसमें काटूंगी मैं, तो इसके पीस पीस करके, तो इसको पीसते हैं फिर चावल के आटे में डालेंगे फिर आगे। तो अभी ना हम त्यौहार के लिए बैठ गए यहाँ पर, भैया ने आलू का मसूटा ख़राब कर दिया मिक्सी में पीस के, मेरा सर दर्द हो रहा है। और चूल्हे में आग जला के तेल रख दिया है, आटे में आलू के बिड़ा बना रहे हैं और फिर चावल के बनाते हैं। तो दिखाई यहाँ पर देख सकते हो हमारे बनने लग गए हैं आलू की पूरियाँ, आग में तेल डाल रखा है और कढ़ाई है बड़ी वाली, सबसे पुरानी जो कढ़ाई है उसमें बना रहे हैं मम्मी और मैं पूरी। तो देखते रहिए। तो यहाँ पर मैं तेज गति से अपना काम करते जा रही थी, जिसमें मैंने आटा लोई पकड़ी थी, लोई को बेल के उसमें मैं आलू भर रही थी। जैसे आलू के पराठे बनाते हैं वैसे ही आलू की पूरियाँ बनाते हैं, जिसको हम आलू के बिड़े कहते हैं। तो थोड़ा बोल नहीं रही थी क्योंकि आज मेरा सर दर्द भी हो गया था, थोड़ा ऐसा ही हो रखा था, डांट पड़ी थी मेरे को, तो मैं बोल नहीं रही थी, चुपचाप कैमरा रख के वीडियो बना रही थी। तो देखो इतनी सुपर मैन की तरह मैं काम कर रही हूँ। और आलू के तो यहाँ पर मैंने पकड़ लिया है चावल का आटा, क्योंकि आलू की पूरियाँ तो हमारी बन चुकी है, सारे आलू के बिड़े बनाए हैं। चावल के आटे में मैंने इतना पानी मिला था, बिल्कुल उसका कसार बना दिया पतला सा, कि हमें इसकी स्याली बनानी है। इसको जितना मतलब कदाएँ उतना अच्छा होता है, तो मैं ज़ोर ज़ोर से स्पीड से एकदम इसको कदा रही हूँ
बेचारी इतनी उदास है फिर भी व्लॉग बनाना नहीं छोड़ रहे है। और यहाँ पर बनने लगी है मेरी श्याली, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं श्याली बन रही है। और इसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने एक पतला सा मतलब स्टील का गिलास पकड़ लिया जो थोड़ा नरम है, पिचक जाता है, तो इसमें तेल हुआ है। तो इसको हम जैसे जलेबी बनाते हैं उस प्रकार से, ये पहाड़ी पकवान है जिसे हम श्याली कहते हैं। तो चावल के आटे से इस प्रकार से बना रहे हैं। श्याली अधिकतर अपने त्यौहार के दिन मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी बोलती है कि तो अच्छा बनाती है, अच्छा बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ ये तो अब बनाने के बाद ही पता चलेगा। एक बना दी है, अब दूसरी बना रही हूँ। तो बस सुपर फास्ट, जितने तेज इसके लिए आग बहुत तेज चाहिए। तो इसका डिजाइन एक बार आपको भी दिखा देते हैं किस प्रकार से डिजाइन है। तो इसको अभी पलटाएंगे और ये देखो पहली श्याली मेरी ऐसी बनी है, थोड़ी टेढ़ी बनी है, उतनी गोल तो नहीं बनी है। और ये देख सकते हो इस प्रकार से हमारी श्याली बन रही है, श्याली पहाड़ी पकवान। ये वाला सबसे मस्त डिजाइन बना है मेरा यार। पलटने में ना बड़ी दिक्कत आती है इसको पलटाने में, क्योंकि तेल के छींटे ना आ जाए। तो ये है मेरा श्याली का डिजाइन, देख सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा है। तो देख सकते हो ऐसे बनाते हैं इस पहाड़ी पकवान को। और अपने आज के ब्लॉग की समाप्ति भी मैं यहीं पर करूँगी त्यौहार के साथ, और फिर मिलूँगी मैं अगले नए ब्लॉग के साथ, मेले के साथ। और तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा